मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान नायलॉन मांझे का इस्तेमाल रोकने को लेकर मनपा प्रशासन ने पहल करते हुए शनिवार को कवि सुरेश भट्ट सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में शहर के स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नायलॉन मांझा के दुष्परिणाम पाबंदी के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही इस्तेमाल से परहेज करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल, उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महले, पुलिस उपायुक्त अर्चित चांडक साथ ही अन्य उपस्थित थे। कार्यशाला में इकोनिक्स का प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके साथ ही मनपा की ओर से सभागृह परिसर में जनजागृति फलक भी लगाए गए थे। एक आम सा पुलिस कांस्टेबल होता मुंबई में 25 दिसंबर 2023 की घटना है। समीर जाधव संध्याकाळी अपनी पुलिस ड्यूटी संपून घरासाठी निघालेला होता। सांताक्रूज मध्ये काही फ्लायओवर आहे, जसं सरांनी सांगितलं आता अगोदर, ऑलमोस्ट सेम घटना झाली। फ्लायओवरच्या खाली काही नायलॉन मांझा असा हँगिंग होता आणि समीर जाधव आपले बाईकवर होता, काही 50 किंवा 60 स्पीडमध्ये होता आणि लगेच तो मांझा त्यांचे नेकवर अडकलेला आणि त्यांची ऑन द स्पॉट मृत्यू झाली। हे आमच्या दलातून, आमची पोलीस दलातून एक कॉन्स्टेबल होता, त्यामुळे खूप खूप असं वाईट वाटलं जे जेव्हा गोष्टी समोर आली। लास्ट इयर पण एक 11 वर्षाचा मुलगा होता वेदशा, चेन्नईमध्ये अभिनयी, दिल्लीमध्ये एक 12 वर्षाची मुली होती, अहमदाबादमध्ये एक 50 वर्षाचा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।